और ब्रेक के बाद बहस बीच बाजार में आप सभी का स्वागत। और बीकानेर में हम मौजूद, और आप देखिए कि तमाम जो यहाँ पर पोडियम पर मेहमान है उन्हें सवालों का जवाब देने पड़ रहा है। और इस बार अब जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे पहले एक बार आपको रूबरू करा देती हूँ। मोहन सुराणा जी है, जिला महामंत्री बीजेपी, आपका पोडियम पर बहुत बहुत स्वागत है। रियाउर रहमान प्रदेश महासचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आपका भी पोडियम पर स्वागत है। देखिए कि अब आपको जो सवालों का सामना करना पड़ेगा उन सवालों की जो है जवाब आपको देने होंगे और बेबाकी से जवाब देने होंगे। अब देखिए कि जिस तरह से मुद्दे उठ रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा भी उठ गया, 370 का मुद्दा भी उठ गया, लेकिन अहम मुद्दा जो ग्राउंड जीरो पर मुद्दा है वो बिजली का है, कनेक्टिविटी का है, सड़क का है, मूलभूत सुविधाओं का है, शिक्षा का, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये तमाम मुद्दों के ये क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और जी राजस्थान का शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पूर्व वक्ताओं ने, दोनों ही जो कांग्रेस के और बीजेपी के थे, उन लोगों ने करी और आपस में दोनों पक्षों ने भी अपनी बात रखी, राय भी दी है। मैं कुछ चीज़ों पर बात करना चाहूँगा। पहले देखिए, पिछले 9 साल हो गए केंद्र में मोदी जी की सरकार है और हमारे यहाँ से केंद्र में मंत्री भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ हुई उसका झूठा श्रेय लेने के लिए बीजेपी के लोग तैयार रहते हैं। मैं शुरू से करूँगा। बीकानेर में नाल एयरपोर्ट बनाया गया, यूपीए की सरकार थी, उसके लिए ज़मीन दी गई, उसके लिए पैसा दिया गया, उसकी बिल्डिंग बनी और आज स्थिति यह है कि वहाँ एक फ्लाइट चलती है और वो भी कभी कभी चलती है। झूठा अपने झूठी बातों को मजबूती से रखना, ये इनको मोदी जी ने सिखाया है, तो ये उसी परिपाटी पे चलते हैं। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र के बजट में बीकानेर के लिए ऑयल रिजर्व की घोषणा हुई लूणकरनसर में। वो ऑयल रिजर्व कहाँ है इनसे पूछिएगा आप। 25 सांसद दिए थे यहाँ इस बार, पिछली बार भी दिए थे, और वो बजट की घोषणा निरस्त हो जाती है। इन ये बैठे हैं बीजेपी के साथ ही, और मैं इन सबसे पूछना चाहूँगा कि वो ऑयल रिजर्व कहाँ गया, कहाँ गया वो लूणकरनसर में जिसकी घोषणा हुई थी। उसके बाद जब हम बात करते हैं विधायिका की बात हुई, ऑन रिकॉर्ड आप ले लीजिए कि 15 साल में वो कितनी बार विधानसभा में गईं, कितनी बार उन्होंने बीकानेर के लिए बात करी। भारतीय जनता पार्टी के पास इनका खुद का विरोध कर रहे हैं, इनके खुद के बैठे हमेशा। अब आपने सवाल कर लिया, सवालों के जवाब ले लिए जाए। देखिए कि आरोप लगे कि सिर्फ जो है झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना सीख लिया है, बातें बना रहे हैं, क्या ऐसा ही हो रहा है बीजेपी में? बीजेपी बिल्कुल ऐसा नहीं करती। कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। और ये जो महापौर की बात करें, इनको पूछो, इनके पार्षद आए दिन नगर निगम में, यूआईटी में धरने पे बैठते हैं, और ये भेदभाव का आरोप किस पे लगाते हैं? अपने मंत्री पे लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं। और कांग्रेस ने जो अभी झूठी झूठी घोषणाएं की 6 महीने के अंदर, सिर्फ कागजों पे आई है, धरातल पे एक नहीं आ रही है। टीचरों की बात कर रहे हैं, अभी जैसे हमारी बहन जी सुधा जी ने बताया, टीचर नहीं है। तीसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि जो गैंग रेप की घटनाएं हो रही है, जो एक मिनी आतंकवाद राजस्थान के अंदर पनपा है, सीकर के अंदर, एक बच्चा आप जैसी को पढ़ाने के लिए उसकी फीस जमा कराने के लिए जाता है और उसको बीच बाजार में गोली मार दी जाती है। पूछो इनको किया क्या। चलिए देखिए, ये तमाम आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और इनमें कितनी हकीकत है ये जनता से जानिए, क्योंकि वही जो है 5 साल उन्होंने ये तमाम चीजों को भोगा है। तो इनके जवाब लीजिए। और ये भी पूछ रहे हैं माद्री कि जब वोट डाले जाएंगे 25 तारीख को, तो उनके जहन में क्या रहेगा, दिमाग में क्या रहेगा जब वोट डालेंगे, कौन से मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल खुशबू, देखिए यहाँ पर जोर शोर से सभी ने अपनी बात रखी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। और ऐसे में जब आम जनता वोट करने जाएगी तो उनके जहन में क्या रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा बीकानेर के विकास को लेकर? निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के नेता यहाँ विराजमान है, हम लोग व्यापार उद्योग मंडल से आते हैं। पहला प्रश्न मेरा रहेगा, चूंकि लोकल सरकार भी यहाँ पे है और गत 10 वर्षों से लोकल सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मेयर साहब से कहना चाहूंगी कि मैं आऊंगी आपके पास, जवाब सोच कर रखिएगा, जवाब आपसे लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और चीज सामने आई, काफी युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। युवाओं के लिए शिक्षा की, रोजगार की क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर है, क्या कुछ उपलब्धियां यहाँ पर है? पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी वजह से कोई भी शिक्षा के अंदर कुछ भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिख रहा है। और फ्रीबीज जो एक चीज होती है वो केवल मेडिकल, हेल्थ और न्याय की चीज में मिलनी चाहिए,
और अदर जो चीज़ें हैं वो खाली वोट्स लेने के लिए होती हैं, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। फ्रीबीज जितनी भी चीज़ें, हमेशा कोई भी देश के लिए, इकोनॉमी के लिए हमेशा लॉस ही रहा है। तो उस क्षेत्र के अंदर इन्होंने फ्रीबीज, वहाँ पे तो कुछ है नहीं, अदर जहाँ पे भी वोट बैंक है केवल वहाँ पे फ्रीबीज इन्होंने लागू की है। सर, जब वोट करने जाएंगे जहन में क्या रहेगा, क्या सोचते हैं कि किस तरह से बीकानेर का डेवलपमेंट होना चाहिए, और क्या कुछ कमियां अभी तक रही हैं जो इस विधानसभा चुनाव में आपकी उम्मीद रहेगी कि पूरी हो? खड़े होकर बताइए। मैं उद्योग जगत से हूँ, हम लोगों का मेन यही रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि कोई भी उद्योग लगाए वो आसानी से अपना व्यापार, आयात निर्यात सब कुछ कर सके। अभी तक बहुत ही श्रम की बात है, मेरे साथी ने भी बताया कि जो ड्राइव रोड का है ये बीकानेर के अंदर 100% सक्सेस है। उन्होंने तो अपने एक दिल्ली से यहाँ के लिए कर दी, सही है उनका सोचना। तो देखिए सर, आपका मुद्दा ये रहेगा कि विकास पर वोट रहे। मेयर साहिबा, उम्मीद करती हूँ कि आपने जवाब सोच लिया होगा, सवाल आपको मालूम ही है। से पहले तो मैं कहूंगी कि इन्होंने कहा कि मेरे पार्षद मेरे खिलाफ, ज्ञान पूरा रखिए भाई साहब, वो कमिश्नर के खिलाफ बैठे थे और मैं भी उसमें साथ में थी। मेरे खिलाफ मेरे पार्षद आज दिन तक नहीं बैठे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। और आपके जो दो धड़े के पार्षद हैं, जो मेरी मीटिंग में 1% रहता था, 1% रहता है, वो हम सब जानते हैं। दूसरी चीज, भाई साहब, व्यापारी भाई साहब ने कहा कि पिंक बाथरूम की हमारे तोलिया सर बहरू जी, भाई साहब महिलाओं के लिए मैं आपसे भी ज्यादा सोचती हूँ और मैंने खूब मेहनत की है, वहां पे कोई भी लैंड नहीं है। इन द वे इसका सेकंड ऑप्शन हमने ये सोचा है, हमारा एक पिंक बस मॉडल है, एक बस हमने परचेज की है, वो 10 बसें हैं हमारी, हमने परचेज की है, वो रिनोवेट हो रही है, उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। कब तक रिनोवेट होगी, कब तक पहुंचेंगी, कब तक ताले खुलेंगे? आचार संहिता के बाद वो फील्ड में होगी, और सबसे बड़ी बात है महिलाओं के लिए उसमें सैनिटेशन की भी फैसिलिटी होगी, साथ में उसको ऑपरेट भी महिला करेगी। तो इतना सब हमने महिलाओं के लिए किया, और महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए जितना नगर निगम काम कर रहा है, मैं कहूंगी दीनदयाल अंत्योदय योजना में आप देखेंगे कि हर एक महिला समूह को लोन दिया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। हमने एक पिंक ऑटो योजना भी शुरू की थी, एक महिला बहन जो विधवा थी, अपना घर नहीं चला रही, उसको वो ऑटो भी प्रोवाइड करा। तो महिलाओं के लिए बिल्कुल मैं मानती हूं कि वो जमीन नहीं होने के कारण, और सबसे पहले भाई साहब यहां पे 14 कमिश्नर बदले हैं, आप एवरेज लगा दिए, मेरे वहां पे एक कमिश्नर 3 महीने से ज्यादा नहीं टिका। तो जब तक वो फाइल प्रोजेक्ट पे आती है कमिश्नर चेंज हो जाता है, क्योंकि कल्ला जी नहीं, ऐसा क्यों? अरे क्लियर है ना, कल्ला जी नहीं चाहते कि बीजेपी का बोर्ड काम करे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये बैठे हैं 13 कमिश्नर 14 कमिश्नर आज दिन तक के रिकॉर्ड में कहीं नहीं बदला, और 39 की 3 कार्रवाइयां आज दिन तक किसी मेयर पे नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के मेयर 28 सभापतियों को डिस्टर्ब कर दिया आपने, सिर्फ और सिर्फ धरातल पे काम कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी बीजेपी की वाहवाही ना हो जाए। और देखिए तो देखिए, दोनों तरफ से आरोप बराबर लग रहे हैं, और आशा करती हूँ कि सर आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और अगर फिर भी व्यवस्था नहीं होती है तो मेयर साहिबा यही है, जरूर पूछिएगा। सर, आप काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, बीकानेर के विकास को कहां देखते हैं, और अब जब वोट देने जाएंगे तो मन में क्या चल रहा होगा? वोट कांग्रेस को करेंगे, कांग्रेस ने बहुत क्यों कांग्रेस ने गरीबों का साथ दिया है, बहुत बढ़िया साथ दिया है। कुछ युवा भी बैठे हैं, युवाओं के लिए, आप स्कूल जाती होंगी, कॉलेज में पढ़ती होंगी, एजुकेशन कैसी है, एजुकेशन कैसी है, किसी की मत सुनिए, अपने मन से बताइए। अच्छी चल रही है वैसे तो, स्कूल में टीचर है, वैसे तो है ही है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी नहीं, ठीक है, मतलब इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पर अच्छा और बेटर होना चाहिए, हो सकता है, हाँ, होना चाहिए। और उसके बाद क्या सोचती है कि अभी तो जैसे आप स्कूल हैं, कॉलेज में आएंगी, आगे आप अगर रोजगार के लिए देखती हैं तो बीकानेर में कितनी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देती? वैसे तो मुझे, जैसे मैं खिलाड़ी हूँ, नेशनल प्लेयर, तो मुझे अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। इस गेम्स को लेकर यहाँ पर कितनी अवेयरनेस है? कुछ नहीं मिला अभी तक। देखिए तो यहाँ पर जो खिलाड़ी है वो हमसे कह रहे हैं, एक तरफ हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं, मेडल लेकर आते हैं, और एक तरफ आपके जिले में ये स्थिति है, ऐसा क्यों? देख, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है, और जिन जिन को देखिए प्रोत्साहन मिल रहा होता तो उन्हें ये बात नहीं कहनी पड़ती। वो उनके क्या प्रॉब्लम रही जांच कर रहे हैं, देखते हैं, और जो मिलेगा उनको साफ जवाब दीजिए। देखिए जांच कराएंगे, देखेंगे उनके क्या रहा, उसको देखना पड़ेगा। बाकी जितने भी खिलाड़ी थे उन सबको मिला है, और खिलाड़ियों से मैं आपका परिचय करा देता हूँ कि कितनी राशि उनको दी गई कि वो बाहर ओलंपिक खेलने जाए और दूसरी जगह एथलेट खेलने जाए। बीकानेर से भेजा गया है, सरकार के द्वारा भेजा गया है, और ये बात कर रहे योजनाओं के तथ्यों की, आप एक नजर इधर डालिए, ये नवंबर 2023 का बिल है, और ये एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का बिल है, यूनिट है। सर सवाल घुमा रहे, मैं तो खेल की बात पूछ रही हूँ। योजनाओं के खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन राशि बराबर दी गई है, मैं आपको साबित कर सकता हूँ, ये इनको कैसे नहीं मिला ये अलग। अरे सर, प्रोत्साहन राशि देना और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करना अलग अलग चीजें होती हैं। सर जवाब दीजिए, अभी आप बहुत जोर शोर से मंच
थे, आप जवाब दीजिए। देखिए, राजस्थान की सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर एक पहला एग्जाम्पल दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई भी खिलाड़ी जीत करके आता है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा उसको 50 लाख रुपए, अगर वो सिल्वर मेडल लेके आएगा उसको 1 करोड़ रुपए, और अगर गोल्ड मेडल लेके आएगा तो 1.5 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान के अंदर किसी राज्य सरकार के द्वारा इस तरह की घोषणा नहीं की गई और इसको अमलीजामा पहनाया गया है। क्या नाम है सबसे पहले आपका? नाम कंचन। कंचन, ठीक है, आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं कि आपको आगे और अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि आपको अवसर देंगे। बिल्कुल, मुझे मिलना ही चाहिए, मैं खेल रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो फल होना ही चाहिए ना। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी एथलेटिक में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल लगाया है और टेबल टेनिस में भी मैंने लगाया। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप बात कर रहे थे मेडल लाने की, मेडल तो ले आई, अब क्या करेंगे? देखिए, ब्रॉन्ज मेडल जो बच्चे लेके आए हैं, मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ आपको कहता हूं कि जहां पर भी राज्य स्तर पर अगर कहीं सरकारी भर्ती होगी, 3% का रिजर्वेशन ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल लेने वाले बच्चों के लिए प्रावधान है। बच्ची की उम्र अभी कम है, 18 साल की होकर एग्जाम देगी, तो निश्चित रूप से अगर 18 साल के बाद किसी भी प्रतियोगिता के अंदर ये भाग लेगी तो 3% के रिजर्वेशन कोटे में शामिल होगी। तो सर आपकी जिम्मेदारी रही है? मुझे खेलो इंडिया में ना नाम लिस्ट में नाम भी है, राजस्थान में पहली लड़की हूँ। देखिए, तो अभी ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। कोई नहीं मुकरेगा। ये राजस्थान सर, देखिए कहा जाता है कि हाकम बदलते हैं, हुक्म नहीं बदलते। वहाँ पे भी कुछ कहना चाहते हैं आपके फेवरेट, सुन लेते हैं उनकी बात भी। हाँ जी सर, बोलिए। मैं किसान हूँ, 1-2 हजार यूनिट किसान बिजली फ्री की बात, खेल की बात चल रही है। यूनिट की बात करें ना, क्योंकि मैं किसान हूँ, किसानों की बात करूंगा। हमारी फसलें खराब हुई हैं, क्यों लाइट मिली? यूनिट तो फ्री कर दिए पर लाइट नहीं मिली, जिसकी वजह से पानी नहीं आया ट्यूबवेलों में और हमारी फसलें खराब हो गई। जब वोट देने जाएंगी क्या चलेगा आपके मन में? देखिए, पार्टी होकर मत सोचिएगा, बीकानेर को लेकर सोचिएगा, विकास को लेकर सोचिएगा। मैं बीकानेर के विकास के लिए ही सोचूंगी, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ, एक महिला हूँ, तो जिस सरकार ने हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काम किए हैं, जिन्होंने जो मोदी जी ने, जब 400 रुपए सिलेंडर हुआ करता था तो स्मृति ईरानी जी के जाकर चूल्हे चौके के लेके बच्चों को लेके सड़क पर बैठ जाती थी। आज जो 1100 रुपए सिलेंडर हो चुका है मोदी राज में, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसने 500 रुपए में सिलेंडर महिलाओं को दे रहे, 500 रुपए में अभी वो दबाव में किया है, ज्यादा नहीं दबाव में किया है, तो हम उसे देखकर करेंगे। हमारे स्वास्थ्य को लेकर, हमारी सुरक्षा को लेकर, हमारे बच्चों की शिक्षा को लेकर, हमारे रोजगार को लेकर, हम इन चीजों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं लोकल की बात करूंगी, जो हमारे यहाँ पर सिटिंग MLA है सिद्धि कुमारी जी, उनको जनता अब की बार नकार चुकी है, उनको भारी मतों से हराएगी, उनको घर बिठाएगी। बिल्कुल, इधर से भी कोई कुछ कहना चाहता है उनकी बात भी सुन लेते हैं। सर आप काफी देर से चिल्ला रहे थे। मैडम, मेरा एक सवाल इनसे ये है, जी अउल जी से, कि ये मकसूद जी ये पिछले लगभग 3 साल से मुख्यमंत्री के चक्कर काट रहे हैं, सरकार के चक्कर काट रहे हैं कि अल्पसंख्यक को यहाँ पे आपके 6 मंत्री, 1 राज्य मंत्री का दर्जा दे दो, वरना 7 विधानसभा से 1 सीट मुस्लिम समाज को दे दो। उसके बावजूद भी सरकार ने मुस्लिम समाज को ठेंगा दिया। क्या इस बार भी ये सरकार की कठपुतली बनके कांग्रेस की गुलामी करेंगे या इस बार अपना निर्णय करेंगे, अपना नेता खड़ा करेंगे? यहाँ पर विकास की बात चल रही है, आप सीटों पे उलझे पड़े हैं। मैडम, मेरा सवाल जयूर रहमान साहब से ये है कि 29,000 से ज्यादा क्या कहते हैं अपने, यार देखो भूल गया, 29,000 से ज्यादा अपने अत्याचार हुए यार, इस पे यार महिलाओं पे अत्याचार हुए, उस पे कब कार्रवाई करेंगे ये? देखिए, तो बड़ा सवाल है, खुशबू पूछिएगा जरूर कि कब कार्रवाई करेंगे। जी सर, मेरा सवाल गजेंद्र जी से है। इन्होंने कहा था किसानों के लिए 2,000 यूनिट फ्री किए हैं, मैं खुद एक किसान हूँ, हमारी फसलें खराब हो गई मूंगफली की, लाइट ही नहीं है तो 2,000 यूनिट का क्या करेंगे फ्री का हम? जी देखिए, ये एक और समस्या आई, आप भी पीछे से काफी देर से कुछ कहना चाहते, बताइए। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि ये बीकानेर में इतना भय वातावरण बना दिया इन्होंने कि नशा माफिया और भू माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के लोग इतने सक्रिय हो गए हैं कि आम आदमी निकलना मुश्किल हो गया, और मंत्री जी जाके उनके HS का केक काटते हैं उनके जन्मदिन का, और उनके पैरवी करने थाने चले जाते हैं। हम भयमुक्त बीकानेर चाहते हैं पहले तो, उसके बाद में राजस्थान की बात करना। आपने पूरे राजस्थान में जंगल राज बचा दिया है, आदमी इतना भय में है कि वो देखता है एक आदमी को 10 आदमी पीट देते हैं, उसकी FIR दर्ज नहीं होती है। खुशबू, जनप्रतिनिधि आपके साथ मौजूद है तो उनसे पूछिए। देखिए, बहुत सारे सवाल आ गए कानून व्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर, तो ऐसे में जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये विकास की रेलगाड़ी कब तक चलेगी।
बिल्कुल, ये तमाम जो है सवालों के जवाब लिए जाएंगे, लेकिन आप देखिए कितनी देर से जो है यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि मौजूद है अपना होमवर्क कर रहे हैं, लिख रहे हैं एक एक पॉइंट, आप एक एक पॉइंट को लिख रहे हैं। मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी कि क्या आपने लिखा है, ये जो तमाम सवाल किए गए इनका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, जब चाहे विपक्ष के लोग हों और चाहे जनता हो, जब वो कोई सवाल करती है तो हमारा ये दायित्व है हम उसको जवाब दें। अभी हमारे एक साथी ने फ्रीबीज की बात करी थी, मैं कुछ पॉइंट वन टू वन आपसे चर्चा करूँगा। देखिए, आज से 9.5 साल पहले केंद्र में मोदी जी की सरकार आई और महंगाई का जो स्तर उस वक्त था और आज था, चाहे आटा ले लें, दाल ले लें, तेल ले लें, इवन के नमक ले लें, तो वो किसी से छुपा नहीं कि महंगाई का स्तर कहाँ पहुँच गया। अब फ्रीबीज वो नहीं है, फ्रीबीज वो चीज़ है जो आम दिनों की ज़रूरत है। हमने अगर 8 रुपये में इंदिरा रसोई में भूखे को खाना खिलाया, एक मिनट सुनिए, अब मेरे को जवाब देना है, अगर किसी भूखे को खाना खिलाया तो वो कोई गलत काम नहीं किया। अगर किसी को चिकित्सा दी और 25 लाख रुपए का बीमा किया तो वो कोई गलत काम नहीं किया। तो अब आप इनको ये कहिए कि आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन इनसे पूछिए कि महंगाई कम करने के लिए 9.5 साल में आप लोगों ने क्या काम किया, आप कोई जवाब दे सकते हैं? ये इनके जवाब आपको देना पड़ेगा, इसीलिए आप पोडियम पर हैं। सुनिए, इनको मैं कहूँ, इनके 25 सांसद हैं राजस्थान ने चुन के दिए, एक सांसद मोदी जी के सामने बात नहीं कर सकता। बात सवाल रखना तो बहुत दूर की है, ये हाथ बांध के खड़े ही रहते हैं मोदी जी अमित शाह के सामने। चलिए, ये तो आप बता रहे हैं कि 5 साल विकास किया है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके सामने चुनौती क्या है। देखिए कि महंगाई राहत कैंप की बात कर ले, लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, करोड़ों में रजिस्ट्रेशन हुई, यानी कि लोगों को भी एक उम्मीद है कि महंगाई राहत कैंप से फायदा मिलेगा। साथ गारंटी दे दी, चिरंजीवी योजना बात कर लिए, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, क्या ये आपको नहीं लगता आपके सामने बड़ी चुनौती है? बिल्कुल सही कहा, 5 साल में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान का बंटाधार कर दिया, बिल्कुल बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से निपटेंगे। राजस्थान को पूरे भारत के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी, अग्रिम विकास की पंक्ति में खड़ा करेंगे। मैं एक भ्रष्टाचार की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचिवालय के अंदर एक कर्मचारी उसकी अलमारी के अंदर 2.5 करोड़ रुपए 2 किलो सोना मिलता है, ये किसका है? जवाब दे इनका, किसका ये जवाब नहीं है। जो अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे आतंकवाद मुक्त राजस्थान और उसके साथ कांग्रेस मुक्त राजस्थान भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ये महंगाई की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर डीजल और पेट्रोल क्या रेट है, ये क्यों नहीं घटाते हैं? कांग्रेस ये कह देती है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ये कह देती है कि आप लोग उन्हें वेट में रियायत नहीं दे रहे, केंद्र सरकार रियायत नहीं दे रही, जिस वजह से जो है राजस्थान में पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक है। भाजपा की केंद्र सरकार ने 5 रुपए रियायत दी तो ये 1 रुपए रियायत देते हैं, ये कहते हैं हमारे GST कलेक्शन कर जाएगा, हम सरकार कैसे चलाएंगे। और मैं आपको कहना चाहूंगा, पिछले 4 महीनों से इन्होंने योजनाओं की घोषणा की, राजस्थान के सरकारी कर्मचारी, आज अखबार में पढ़ रहा था, रोडवेज के कर्मचारी वेतन के लिए तरस रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हम दिवाली कैसे मनाएंगे, हमारे बच्चों को नए कपड़े कैसे दिलाएंगे, मिठाई कैसे मंगाएंगे। ये तो एक उदाहरण है, लाखों कर्मचारी इस कारण दिवाली को काला दिवाली मनाने का कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिगुल बजा रहे। आप एक महिला हो, आप तो 1 महीने का बजट बना के पुरुष के आगे दे देती हो और जब वो वेतन नहीं लाएंगे तो आप घर कैसे चलाओगी? और भारत के अंदर दिवाली से मैं 50-50 चलाऊंगी, हाँ ये हुआ ना, 50-50 चलाना तो पड़ेगा, मरना तो नहीं होगा। बाकी सरकार की हालात क्या है, रही बात पेपर लीक, ये कह रहे पेपर लीक हो जाएगा पकड़ लेंगे, पहले तुम अपराध करें फिर हमें पकड़े जाए, ये कहां का न्याय है? पहले मैं गोली मारूं फिर मेरे मुझे कोई ऊपर से आका का फोन आ जाएगा, मैं बच निकलूंगा। अच्छा, एक चीज है जो आप कह रहे हैं अपराध का मामला जो सामने आ रहा है, तो उसमें जो कांग्रेस का ये कहना है कि सबसे ज्यादा FIR राजस्थान में हो रही है ताकि पता चले कि कहां अपराध है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, वरना जहां पर BJP शासित प्रदेश है वहां पर ऐसा नहीं होता है। FIR दर्ज हो रही है,
यदि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, यदि वो कांग्रेस का नेता नहीं है तो FIR हो जाएगी, हमारे जैसे आम जन चले जाएंगे उनकी FIR इधर। मैं खुद भुगतभोगी हूँ, मेरे घर में गोलियां चली, वापस कह रहा हूँ FIR हमारे माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल ने फोन किया, हमारे गुलाब चंद जी कटारिया ने फोन किया, तब हमारी FIR दर्ज हुई। इसे ज्यादा उधर, और जब थानेदार पैसे लेके थाने में लगता है, वो खुलेआम कहता है, मैं एक थानेदार का किस्सा बताता हूँ, वो कहता है भाई साहब सरकार जब होटलों में बैठी उसके बाद हम नौकरी नहीं करें, गुलामी करें गुलामी, क्योंकि उनको हक्काओं का आदेश मानने, और हक्काओं के आदेश नहीं मानेंगे तो उनको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। ये हालात है अपराध की। चलिए देखिए, ये अपराध के हालात बताए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ऐसे में जो है अब आप देखिए कि तमाम सवाल जो यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन जनता इनसे कितनी संतुष्ट होती है। आरोप प्रत्यारोप लगा दिया, हम जीत रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस कह रही है। 25 तारीख को जब वोट डालेगी जनता, उनके जहन में कौन से मुद्दे रहेंगे, उनसे तमाम तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। बहस बीच बाजार में मेरे साथ नहीं, आप देख रहे हैं जी राजस्थान।